सो फाइनली गाइज यहाँ पे Redmi 7 के लिए चाइना के अंदर MIUI 12.0.1.0 को लॉन्च कर दिया गया है एंड मैंने अपने फोन के अंदर चाइनीज रोम को फाइनली इंस्टॉल कर लिया है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि चाइना के अंदर कौन से फीचर्स देखने को मिले हैं एंड इंडिया के अंदर कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है Redmi 7, अगर आपके पास है Redmi Y3 आप इसके अंदर भी सेम रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बनाऊँ तो मैं आपको एक बात कहूँगा, इसे इंस्टॉल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आपको इसके लिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की ज़रूरत होगी एंड इसके अंदर काफ़ी एरर्स भी आए इंस्टॉल करते वक्त। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पे वेट करो जब तक इंडिया या फिर ग्लोबल के अंदर इस अपडेट को रिलीज़ किया नहीं जाता। अगर आप फिर भी कहोगे मैं इसके ऊपर वीडियो ला सकता हूँ, लेकिन गाइज आपको अगर वीडियो देखने में या फिर मतलब कोई भी एरर आ गया तो इसका यार फिक्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एंड काफ़ी टाइम लग जाता है। सो मुझे इस रोम के अंदर यार मतलब बहुत कुछ खास तो देखने को मिला, लेकिन इस रोम के अंदर मुझे इंस्टॉलेशन में काफ़ी दिक्कत आई। सो मैं इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिलहाल देख सकते हो आप यार मैंने अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे इस रोम को इंस्टॉल कर लिया है जो कि हमारे फ़ोन के अंदर एकदम परफेक्टली काम कर रहा है एंड गाइज ये एकदम स्टेबल रोम है जो कि चाइना के अंदर स्टेबल पुश किया गया है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे नहीं बताया कि इंडिया के अंदर ग्लोबल के अंदर इसे कब तक रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन आखिरकार चाइना के अंदर आ चुका है तो हम मान सकते हैं कि इंडिया और ग्लोबल के अंदर भी इसे जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा। फिलहाल गाइज इस अपडेट आपको आप बहुत कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एंड शायद आपको इसके अंदर 500 या 400 MB का अपडेट देखने को मिले। सबसे पहले गाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में एंड यहाँ पे जो भी आप लॉक स्क्रीन के अंदर पासवर्ड लगाओगे या फिर फिंगरप्रिंट से लेके सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है एंड मुझे इसके अंदर कोई भी बग देखने को नहीं मिला है एंड मैं इसका फुल्ली रिव्यू करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर आपको कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड कौन से बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। देखो ये फाइनली यार यहाँ पे चाइना के अंदर रिलीज किया गया है तो इंडिया के अंदर और ग्लोबल के अंदर बहुत ही कम अपडेट्स आएंगे और बहुत ही कम फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जितने फीचर आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे वो परफेक्टली आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि इंडिया के अंदर भी सेम अपडेट को पुश किया जाएगा। सबसे पहले गाइज मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग के अंदर हमें यार यहाँ पे नॉर्मल जो भी फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले थे वो तो हमें देखने को मिल चुके हैं, जो है कार स्क्रीन का या फिर हॉटस्पॉट का, ब्लूटूथ का, मतलब सब कुछ यार यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, एकदम 100% वर्किंग है। एंड उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए डार्क मोड वगैरह की तो सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर, तो लॉक स्क्रीन के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर जो भी आप लॉक स्क्रीन के अंदर मतलब डेट एंड टाइम देखोगे तो आप यहाँ पे इसका टाइम वगैरह फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपको यहाँ पे फेस लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, फेस से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो एंड यहाँ पे जो भी फिंगरप्रिंट है, पैटर्न लॉक है, सब कुछ आपके डिवाइस के अंदर परफेक्टली काम करता है और इसका जो फिंगरप्रिंट है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और मैं आपको यही कहूँगा MIUI 11 से तो काफ़ी अच्छा है यार एंड MIUI 12 तो मतलब काफ़ी जहर है इसके लिए। एंड यार और भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर सेकंड स्पेस वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल मिलता है एंड मुझे बताओ कि आपको इसके अंदर कौन सा फीचर अच्छा लगा। एंड इसके अंदर आपको डार्क मोड देखने को मिलता है, लाइट मोड तो आपको सिंपली देखने को मिलता ही है एंड और भी इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो एंड मुझे लगता है कि सारे ही फीचर आपको इसके अंदर पता है। एंड देखो यार मैं आपको एक एक फीचर इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि यार यूज़र को लगे हाँ भाई वाकई में यार चाइना के अंदर ये फीचर मिले हैं तो इंडिया के अंदर भी लगभग यही फीचर हमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज यार यहाँ पे Xiaomi की तरफ से बताया यही जा रहा है कि Redmi 7 के लिए जो भी अपडेट को पुश किया जाने वाला है एंड उसके अंदर काफ़ी जो फीचर्स हैं उसे निकाल लिया जाएगा तब जाके आपको इसका अपडेट देखने को मिलेगा। मतलब ये जो अपडेट आपको एक लाइट वर्जन के साथ देखने को मिलेगा, बाकी आप अपने फ़ोन के अंदर जो भी फॉन्ट हैं वगैरह, साइज़ वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो एंड इसका जो UI है मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा। अभी बात की जाए यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की तो कंट्रोल सेंटर हमें नया वाला देखने को इसके अंदर मिल जाता है एंड आपको इसे सेटिंग में जाके मतलब ऑन करना पड़ेगा तब जाके आप इसका नया का मजा ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो मतलब स्पीड मीटर है, ट्रैफिक कह सकते हैं, इंटरनेट का जो भी ट्रैफिक आता है उसकी भी स्पीड वगैरह आप सिंपली देख सकते हो आपके फ़ोन के अंदर कितना स्पीड आ रहा है, तो ये भी मुझे काफ़ी इसका अच्छा फीचर लगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे बता भी सकूँ तो काफ़ी यार यहाँ पे टाइमिंग लग सकती है एंड देख सकते हो आप यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब कुछ यार यहाँ पे मतलब एकदम अच्छा है, परफेक्ट है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है एंड यहाँ पे मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा यार। इसके अंदर आपको ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड मैं आपको यही कहूँगा कि Redmi 7 जैसे डिवाइस के अंदर भी आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिले तो बहुत अच्छा है यार। एंड आप यहाँ पे मतलब कंट्रोल सेंटर जैसा आप रखना चाहो रख सकते हो,
उसके अलावा आपको और भी कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी यूनिक हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो साउंड वगैरह, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे वर्किंग है। देखो मैं वर्किंग इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इसके अंदर मतलब बग्स आ सकते हैं, क्योंकि चाइना का है एंड चाइना के अंदर भी इसे स्टेबल पुश किया गया है, तो मतलब बहुत अच्छा है यार। वॉलपेपर के अंदर आपको यहाँ पे, मुझे तो यार अभी तक इसके अंदर कोई भी मतलब वो नया वाला आया था ना, मतलब जो वॉलपेपर था आप अभी तो हमें देखने को नहीं मिला है, जो क्या कहते हैं इसका नाम नहीं मुझे याद, हाँ सुपर वॉलपेपर। तो गाइस यार मुझे सुपर वॉलपेपर का इसके अंदर फिलहाल ऑप्शन कोई देखने को नहीं मिला है एंड मुझे लगता है उसके कारण मतलब फ़ोन काफ़ी लैग हो सकता था। लेकिन यार इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, अभी तो मेरे फ़ोन के अंदर कुछ ज़्यादा खास एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि फ़िलहाल फ़ोन काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी मतलब अच्छा चल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यार लैग होता है। बाकी आपको मैं बता दूँ, अगर आप अपने ढेर सारे एप्लीकेशन रखना चाहते हो फ़ोन के अंदर, तो शायद आपका डिवाइस यहाँ पे लैग हो सकता है। बाकी यार यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो बैटरी परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज़ किया गया है इसके अंदर एंड आपको यहाँ पे अल्ट्रा पावर सेवर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूजरों को पहले भी चाहिए था एंड मुझे लगता है कि आपको ये ऑप्शन मिल चुका है, तो वेल एंड गुड है यार। उसके अलावा गाइज यार यहाँ पे मैं आपको फुल्ली सेटिंग दिखा देता हूँ फ़ोन की, जो जो मुझे सेटिंग के अंदर दिख रहा है मैं सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिलहाल इसके अंदर आपको मैनेज एप्लीकेशंस का भी ऑप्शन मिलता है, जिसके कारण आप यार मदद से अपने फ़ोन के अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें मैनेज कर सकते हो। फिलहाल आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं फ़ोन के अंदर, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा एंड आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग के अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नोटिफिकेशन लाइट, डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर्स की बात की जाए, तो स्पेशल फीचर्स इसके अंदर काफ़ी दिए गए हैं यार। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है गेम टर्बो, जो कि गेमर्स के लिए है एंड यहाँ पे जो भी आप गेम खेलना चाहते हो सिंपली इसके अंदर ऐड करो एंड मुझे लगता है कि आपका जो गेम है काफ़ी अच्छा तो नहीं चलेगा, लेकिन लगभग टाइम पास तो कर ही देगा, बिकॉज इसके अंदर देखो फीचर्स ही देखने को मिला है, लेकिन फ़ोन हमारा काफ़ी लैग हो सकता है अगर आप इसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। तो मैंने इसके अंदर सिंपली यार कुछ एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था एंड मैंने इसका जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लगा इसके अंदर मतलब काफ़ी लैग हो रहा है यार। एंड बस यार इसीलिए मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार इंस्टॉल करें, अगर आप वैसे भी इसे इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो। फिलहाल इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने इसके अंदर कभी देखने को नहीं मिले, बिकॉज मेरे फ़ोन के अंदर चाइनीज़ रोम को मैंने पहली बार इंस्टॉल किया है, सो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से तो ये नए फीचर्स हैं एंड और भी इसके अंदर नए नए फीचर्स देखने को मिले हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे चाइनीज़ देखने को मिला, थोड़ा सा मतलब चाइना सा नाम है, MIUI लैब भी देखने को मिला है, जिसके अंदर कुछ यार मतलब और ही अटपन जैसे मतलब कुछ भी कह सकते हो अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की, सब कुछ आपको यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है एंड मैं आपको दिखाता हूँ यार फ़ोन एकदम चाइनीज़ लैंग्वेज में है एंड आप यहाँ पे मतलब थोड़े से ही सीमित तक ही आप इसे इंग्लिश कर सकते हो, बाकी जितने भी एप्लीकेशन है वो चाइना के अंदर ही आपको शो होंगी। बाकी ऐप वैल्यूड आप देख सकते हो इसे चेंज किया गया है एंड इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ऐड किए गए हैं। उसके अलावा काफ़ी बंदों का कहना ये भी था, जो भी कंट्रोल सेंटर है हमारे डिवाइस का वो काफ़ी लैग होता है, लेकिन मुझे इसके अंदर कोई भी लैग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है एंड मैं आपको यही कहूँगा भी जो भी डेवलपर्स ने यहाँ पे किया है काफ़ी अच्छे से इसे मेंटेन किया है और मैं उनको यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छे से इनको बना दिया है। फिलहाल हमारे डिवाइस के लिए ऑफिशियली रोम को डिज़ाइन किया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी इसके अंदर जो भी सिक्योरिटी वगैरह देखने को मिलेगा वो एकदम यहाँ पे अच्छा होगा और आपको यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है। बाकी बहुत सारी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिलती हैं, जिसे मैंने आधी एप्लीकेशंस को तो यहाँ पे हटा दिया है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो वेदर एप्लीकेशन के अंदर सभी कुछ आपको एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेंगे एंड आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर एक होता है गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा होता है, वैसे वैसे सीरी होता है, वैसे इनका MIAI है, मतलब जो भी यार यहाँ पे आप बोलना चाहते हो पूछना चाहते हो आप इसका मतलब सिंपली पूछ सकते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा ये अभी एक चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं आया है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर नहीं आया है, बस आपको यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज ही देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए तो सही नहीं है, लेकिन काफ़ी काम का है यार। जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट से काम करवाते हैं, एलेक्सा से काम करवाते हैं, सीरी से काम करवाते हैं, वैसे इससे भी काम करवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे डिज़ाइन नहीं किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एंड ना तो इसके अंदर यार हिंदी लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो मुझे लगता है इस फीचर को आने में काफ़ी
टाइम लग जाएगा हमारे इंडिया के अंदर। एंड ये फीचर काफ़ी अच्छा है बिकॉज ये फीचर हमारे डिवाइस के अंदर गूगल के और जितना भी यार मतलब असिस्टेंट है उसे हटा देगा और अपने नए फीचर्स को ऐड कर लेगा। सो इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एंड मैं आपको ये भी बात बताता हूँ, थोड़ा सा यार यहाँ पे फ़ोन लैग होता है, इतना भी परफेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ अच्छा चलता है, लेकिन थोड़ा सा हमारा डिवाइस यहाँ पे लैग होता है। बाकी कैमरे की बात की जाए तो कैमरा वगैरह यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है एंड मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा है यार। एंड कैमरे के अंदर भी कुछ ज़्यादा फीचर्स को ऐड नहीं किया गया, जितने फीचर्स को ऐड किया गया है यहाँ पे मैंने दिखा दिए हैं आपको। बाकी यार वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, स्लो मोशन वगैरह सब कुछ यार यहाँ पे काम कर रहा है। एंड स्पेशली यार देखो मैंने सब कुछ इसके अंदर ट्राई कर लिया है एंड मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कुछ बग्स हैं, बस आपको यहाँ पे लैग परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो एंड्रॉयड 10 दिया हुआ है, उसके अलावा आपको यहाँ पे MIUI 12 का स्टेबल अपडेट दिया हुआ है। बाकी MIUI 12 के जो भी नए नए फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपका स्पेशली जो फ़ोन है वाकई में लैग हो सकता है। एंड बाकी यार मुझे बताओ कि आपको ये रोम कैसा लगा, अगर आपको ये रोम अच्छा लगा तो जल्दी से बताओ यार। अगर आप इसका चाहते हो मैं इंस्टॉलेशन वीडियो बनाऊं या आपको बताऊं कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है, तो मैंने आपको पहले कहा इंस्टॉल में काफ़ी दिक्कत आ रही है और अगर आप एक मतलब नए हो, मतलब आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको बेसिकली बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे मतलब फंस जाता है या फिर बूट अप नहीं लेता है तो आपको अपने फ़ोन के अंदर यार एक या दो घंटे वेस्ट करने पड़ेंगे बिकॉज बहुत ही मतलब रिस्की काम है यार, डाउनलोड वगैरह बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके पास वाईफाई वगैरह लगा हुआ है या फिर आपके नेटवर्क अच्छा आता है तब भी अच्छा है यार। मतलब अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, मैं भाग नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। आप एक बार बोल के देखो, आपके लिए वीडियो आएगा चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। फिलहाल इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आज के वीडियो के अंदर इतना ही यार, क्योंकि मुझे जाना है अभी यार, मुझे सोना है बिकॉज काफ़ी तबीयत ख़राब है। सो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ आज के दिन, बस मैं और क्या कह सकता हूँ। तो चले यार आज के वीडियो के अंदर इतना यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।